जय माता दी गाइज कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे खुश होंगे अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे माता रानी सबको खुश रखें सो गाइस सुबह के छः बज रहे हैं और आज है गुरुवार तो चलते हैं पहले देते हैं सूर्य भगवान को जल इसके बाद करते हैं भोले बाबा की पूजा और यहाँ पर हमने थाली सजा लिया था पूजा की और कुछ थाली में खास नहीं है वही फूल बेल पत्र और दूब है और पीला चंदन है सिंदूर है अच्छत है और चने की दाल है मुनक्का है गुड़ है जो हमेशा हम गुरुवार की पूजा में भोले बाबा को भी चढ़ाते हैं और विष्णु भगवान के केले का वृक्ष है इसमें भी जल चढ़ाते हैं जब इसमें जल चढ़ाते हैं ना तो हल्दी मिला करके जल चढ़ाते हैं तो यहाँ पर हम भोले बाबा की पूजा पाठ कर लेते हैं और अभी हमने किचन में कुछ भी तैयारी नहीं किया हम चलते हैं पूजा करने के बाद आप लोग भी दर्शन कर लीजिए इसके बाद आ गए हैं किचन में तो यहाँ पर हमारा कटोरे में ही दही रखा हुआ था यानी कल दूध काफ़ी बस गया था तो हमने दही जमा दिया था एक कटोरी हमने डाल दिया है रवा और थोड़ी सी इसमें डाल देते हुए नमक और अच्छे से फेंट करके रख देते हैं और जब तक विष्णु भगवान की कथा कहेंगे तब तक तो ये रवा दही हमारा अच्छे से यानी फेटा हुआ अच्छे से फूल जाएगा क्योंकि आज हमको बनाना है अप्पे आप लोग समझ ही गए होंगे कि दीदी आज अप्पे बनाने वाली है और चलते हैं मंदिर में तो यहाँ मंदिर में हम आ गए हैं पूरी तैयारी कर लिए हैं और जैसे कि हमारे पतिदेव पूजा पाठ करते हैं ना तो वो अपना मंदिर की साफ़ सफ़ाई भगवान जी को नहलाना सब हमारे ये वाले काम कर लेते हैं और हम आ कर के सिर्फ फूल बेलपत्र ये सब चढ़ाते हैं इसके बाद सजाते हैं तो यहाँ पर जल्दी पूजा करने के बाद कथा कहते हैं कथा भी हमने सुन ली आप कर लेते हैं विष्णु भगवान की आरती और इस समय ना हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं गला इतना भारी हो रहा है तो तेज सुर में आरती आप लोगों को नहीं सुनाएंगे और आरती करते हैं

आरती हो गई आप लोग भी विष्णु भगवान के दर्शन करिए और सुबह से ना इतना गला भारी रहता है कि बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रही थी पहले हम लेंगे गर्म पानी इसके बाद ही कुछ हमको आराम मिलेगा बच्चे भी जग गए थे थोड़ी समय तक के लिए पढ़ाई किए इसके बाद ये लोग भी ना स्नान ध्यान करेंगे तो आलू हमने सुबह ही बॉयल कर लिया था आलू छीलने के बाद आलू को अच्छे से मैश कर लिए थे और वही जीरा हरी मिर्च डाल करके तड़का लगा करके आलू भी हमने अच्छे से तल लिया है इसके बाद सांचे में लगा देते हैं यहाँ पर कड़ुआ तेल और इसके बाद बनाते हैं अप्पे बच्चों को कहना था कि माँ आज हमको आलू वाले अप्पे खाना है तो यहाँ पर कई बार आप लोगों के साथ ना ये रेसिपी हमने शेयर किया है तो आलू ना ऐसे पहले आलू की गोलियाँ बना लेते हैं इसके बाद गोलियों को इस बार ना हम इसे रख देंगे सांचे में और इसके बाद ही रवा दही जो हमने फेंट करके रखा है उसको डालेंगे और हमारी सब्सक्राइबर यानी हमारी बहनें हैं कई लोग हमारे पास की हैं जो बोलती हैं सुबह जब अपे बनाते हो ना तो मुंह में पानी आ जाता है हम तो बोलते हैं कि आप लोग भी आ जाया करिए हम बुला लिया करें और अपे खा जाया करिए और सच बताएं हमको बनाना खिलाना बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन हाँ हम स्वस्थ रहें तब ठीक है अगर तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और फीवर आ जाए वो ठीक है लेकिन जो हमको जुखाम हो जाती है ना सर्दी वाली ये हमको बहुत ही परेशान कर लेती है तो यहाँ पर बच्चे भी मौज मस्ती कर रहे हैं और आने वाली ठंडी हो या जाने वाली ठंडी हो हम लोग ना लापरवाही कर देते हैं इसीलिए परेशानियाँ बढ़ जाती हैं इतनी ठंडी बीत गई हमारी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है और लास्ट ठंडी में ना हमारी तबीयत ख़राब हो गई लेकिन यार शादी फंक्शन में तो जाना ही पड़ता है अगर ना जाओ ना तो सब लोग बाद में कहते हैं देखो कुछ ना कुछ ना ये लोग मुंह फेर लेती हैं यानी पैसे वाली हो गए इसलिए नहीं शादी फंक्शन में आना चाहती हैं लेकिन हमारी परेशानी कोई नहीं समझेगा अभी भी कई शादियाँ हैं जो जाना है और कोशिश यही करते हैं कि ना जाए लेकिन बस यही है कि पूरी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई इस समय ना अभी भी सासू माँ नहीं आई हैं यानी गंगा स्नान कर कि तो आ गई हैं लेकिन ससुराल में रुक गई हैं बोली आराम से आएंगे हम मजबूरी है जो हम बहनों को सब कुछ करना पड़ता है कितनी भी हम लोगों की तबीयत ख़राब हो फिर भी अपने काम तैयार करना ही पड़ता है तो यहाँ पर हमने बना लिया था अदरक वाली चाय और बीच के बालकनी में बैठ गए हैं धूप भी अच्छी आ रही थी तो चाय भी पीते जा रहे हैं और इसके बाद फिर अपने खुदुरुर वाले काम शुरू हो गए हैं चाय पीने के बाद तो हमारी काफ़ी साड़ियाँ रखी हुई थी और पूरी ठंडी निकल गए इतनी दौड़ भाग वाले काम हो गए सिर्फ दो तीन साड़ी में हमने फॉल लगाया था तो यहाँ पर काफ़ी फॉल भी रखे हुए हैं तो हम सोच रहे हैं जितने भी फॉल रखे हैं जा रहे हैं इनको पानी में डुबो देते हैं और डाल देते हैं धूप में तो सूख जाएंगे क्योंकि जब भी हम फॉल लगाते हैं ना तो धुल करके सुखा करके प्रश करके ही लगाते हैं अगर आप ऐसे डायरेक्ट फाल लगा लो तो बाद में जब आप साड़ी धुलोगे ना तो उसमें अजीब सी सुखड़न आ जाती है ये सुकड़न ठीक नहीं होती है इसीलिए जब भी फाल लगाइए तो धुलने के बाद प्रश करके ही फाल लगाइए अगर सर्दी हो जाती है ना थोड़ी समय के लिए आराम भी करो ना तो एकदम से नाक जैसे सट जाती है और ऐसे लगता है कि हमारी सांसें रुक गई हैं इसीलिए इस डर के मारे ना हम आराम भी नहीं कर रहे हम सोच रहे हैं काम में लगे रहेंगे तो ज़्यादा ही सही रहेगा तो यहाँ पर हमने जितनी भी फॉल हमारे पास थी हमने निकाल लिया है काफ़ी साड़ियाँ भी निकाल लिए हैं और मीना भी नीचे मशीन निकाल ली है तो हम सोच रहे हैं पूरे दो घंटे से इस कामों में अपने लगे हुए हैं तो अब चलते हैं हम नीचे आज ना हमने काफ़ी साड़ियां निकाल लिया है देखिए इतनी साड़ियां रखी हुई हैं अभी इनमें फाल फीको नहीं हुआ है और इतने तो हॉल निकाल लिए हैं यानी काफ़ी समय से ना ला करके रखे हुए थे बट बर... बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था कहीं कहीं निकल जाओ कहीं कहीं निकल जाओ तो आज हमने सोचा है कि जा रहे पूरे फॉल पानी में डाल करके अच्छे से इनको धुल करके और सुखा करके प्रेस करके रख देते हैं आज तो हमको फॉल नहीं लगाना है कुछ साड़ियों में ना मीना ही लगाएंगी फॉल कुछ में हम लगाएंगे लेकिन मीना ने निकाल लिया है बाहर मसीन तो वहीं जा रहे हैं थोड़ी बहुत सिलाई वाले भी अपने काम कर रही है धूप भी बहुत ही अच्छी वाली निकली हुई है लेकिन हवा ना इतनी तेज़ चल रही है कि पूछिए नहीं बाहर तो आज बिल्कुल बैठने वाला नहीं इतनी तेज हवा चल रही ऐसे लग रहा ना कि होली है आ गई है होली के समय ना इतनी तेज वाली ही हवा चलती है कई साड़ियों में ना फॉल नहीं मिल रही है तो हम सोच रहे हैं आज शाम को जाएंगे मार्केट तो इन साड़ियों में ना फॉल भी मिला लाएंगे तो इस तरीके से आज हमारे अपने काम होते हैं टाइम ना डेढ़ हम नीचे के लॉन में आ गए हैं और यहाँ पर मीना मशीन भी रखी हुई थी तो सिलाई भी हो रही है और बच्चे भी अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं और एक भैया जी हैं जो हमेशा आते रहते हैं यानी टिक्की चाट वाले और यहीं पास के ही हैं तो बच्चे ना पहचानते हैं और बहुत ही फ्रेश सामान लाते हैं यानी खाने पीने का तो बच्चे कह रहे माँ टिक्की वाले भैया आ गए इनको रुका ले चाट आ गई अच्छा अच्छा भैया आप पीछे रहते हो अच्छा हाँ अच्छा तुम लोग क्या बनवा रहे हैं? पूछे बिल्कुल तूफान तो की तरह हवा है आज फॉल जो हमने धुल करके डाला था हमारे फॉल भी सूख गए हैं तो हम प्रेस भी कर लेते हैं और इसके बाद चलते हैं फॉल लगाते हैं और आज हमने सोचा था कि आज हमारे लिए कुछ भी काम नहीं है लेकिन हम बहने जो हाउस वाइफ है ना हम लोगों के लिए ना कितने अपने काम हो जाते हैं जो करने वाले लोग होते हैं ना दिमाग में डालो कि हम हमको ये करना वो करना है। और ये आज सही भी रहता है अपने कामों में पूरा दिन लगे रहो तो इधर उधर अपना दिमाग भी नहीं बढ़ता है और सही भी रहता है हमारी बहनें आप लोग भी इसी तरह गुरुवार वाले दिन अपने कामों में लगी रहती होंगी और जो बहनें फॉल लगा लेती हैं कितना सही रहता है हम तो फॉल पहले बहुत ही लगाते थे लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया ना कि यूट्यूब के लिए भी हमको टाइम निकालना पड़ता है बस यही रहता है कि थोड़ी बहुत जो ब्लॉगिंग करते हैं इसमें भी हमको टाइम देना पड़ता है सिलाई में भी टाइम देना पड़ता है हम आ गए थे बंगला बाज़ार तो यहाँ से हम फॉल भी ले लेते हैं और उसके बाद थोड़ी बहुत अपने किचन का भी सामान ले लेते हैं और इतना लेते लेते ना हमारी दीदी जी का फ़ोन भी आ गया था कि शोभा कहाँ हो हम आ रहे हैं तुम्हारे घर और हमको जाना है सिद्धार्थी माता मंदिर तो हमने कहा बस दीदी हम पाँच मिनट में पहुँच रहे हैं तो हमारी दीदी जी भी आ गई थी और दीदी जी के साथ ही हम कार से जा रहे हैं माँ भगवती सिद्धार्थी माता मंदिर हम आ गए हैं तो कहा आप लोग भी दर्शन करिए और हम दीदी अच्छा सब लोग कर रहे हैं माँ भगवती के दर्शन और हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग बहुत ही किस्मत वाले हो हमेशा हमारे ब्लॉग में माँ भगवती के दर्शन होते रहते हैं कई बहने तो वहीं की हैं यानी सब्सक्राइबर हैं जो हमेशा यानी फोन भी करती हैं कि शोभा कैसे हो तो हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग बहुत ही अच्छे हो अपनी दीदी का बुआ का पूरा साथ दे रहे हो काफी प्यार भी कर रहे हो हमको पता है आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हो दर्शन करने के बाद ना दीदी यहाँ पर गर्मा गर्म समोसे भी ले आई थी तो बच्चे कितना खुश हैं

नाश्ता करने के बाद ना हम लोग आ गए थे ऊपर के हॉल में और यहाँ पर टीवी में ना मनु ने लगा दिया था ब्लॉक यानी जब प्राची के यहाँ फंक्शन हुआ था सब बहु लोग आई हुई थी दीदी के यहाँ तभी का ब्लॉक लगा दिया है और दीदी कह रहे हैं सुबह इसमें कितना अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर हम बहनों की बातें भी हो रही हैं और दीदी कुछ ही समय के लिए आई हुई थी ज़्यादा समय के लिए नहीं आई थी कह रहे थे सुबह लेट हो रहे हैं टाइम ना साढ़े बज रहे थे सो आज का ब्लॉक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बत इस ब्लॉक का एंड कर रहे हैं जय मत दि गाई